गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखो क्वेश्चन नंबर अपना है 3। उसमें क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या करना है अपने को कि इन सब की अपने को क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। कल अपन ने डिग्री देखी ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज डिग्री। उसके अंदर भी अपन ने टाइप्स देखे थे, कौन कौन से थे, लीनियर था, क्वाड्रेटिक था और क्यूबिक था। था ना, लीनियर का मीन्स क्या होता है, जिसमें वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1, दैट इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपन ने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका मीन्स क्या था, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, इट्स मीन्स 2 डिग्री पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपने पास क्यूबिक था, क्यूबिक का मीन्स क्या होता है, उसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 थी, तो वो कितने डिग्री का था, 3 डिग्री का था। सेम देखो वही अपने को बताना है, इसके अंदर बतानी है 5x² + 4x² + 7x, दैट इज ए 1 पॉलिनोमियल, दैट इज x³ x² एंड मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, दैट इज डिग्री हियर 3, दैट इज 4 - y² वेरिएबल इज y की पावर 2, तो डिग्री क्या बनेगी इसकी 2, दैट इज 5t + √3 वेरिएबल है 7t, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, t की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है ना 1, दैट इज इसके अंदर तो क्या है वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कितनी डिग्री का बनेगा 0 डिग्री का, कितनी डिग्री का बनेगा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्लासिफाई द पॉलिनोमियल एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अपने को इनमें क्या क्या काम बताने हैं, अलग अलग टाइप के लीनियर क्वाड्रेटिक और वो वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल है ना इसमें x² x, तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे x^2 और x^2 क्या होती है क्वाड्रेटिक, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज हियर सेकेंड पार्ट में क्या है x - x³, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये क्या बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, y है, y² है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो क्या बनेगा यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ये क्या बनेगा लीनियर। नेक्स्ट ये क्या है क्यूब 3 है ना, तो क्या बनेगा क्यूबिक। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास है गिवन 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या बनाना है अपने को, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री कितनी है अपने पास 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक अपने को क्या बनाना है मोनोनोमियल और उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, बाइनोमियल का मीन्स क्या, उसके अंदर 2 टर्म्स आएंगे ना, तो बाइनोमियल क्या बनेगा इसके अंदर देखना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो क्या बनेगा इसके अंदर, कैसे भी बना सकते हो आप, एग्जांपल ये बना सकते हो 7x⁻¹⁹-49। देखो 2 टर्म्स होंगी, दिस एंड दिस 2, तो क्या हो गया बाइनोमियल और इसकी डिग्री कितनी है वेरिएबल में 35, तो क्या बन गया 35 डिग्री का बाइनोमियल पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट अपने पास क्या बनाना है मोनोनोमियल, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री क्या बनानी है 100। एक मोनोनोमियल का मीन्स क्या है x⁻¹⁹ बना सकते हैं, ये क्या बन जाएगा एक मोनोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी बनेगी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, सॉरी 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अपने को क्या बनानी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एट किस पर, x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर देता हूं पी एक्स, मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, दैट इज 5x - 4x² + 3। क्लियर, दैट इज पुट x = 0, इसके अंदर पुट करना है, तो ये क्या बनेगा p ऑफ 0,
ये क्या बनेगा, 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो टू दी पावर 2 प्लस 3, क्लियर। पी ऑफ जीरो क्या बनेगा, 5 इंटू जीरो जीरो माइनस जीरो टू पावर 2, जीरो जीरो इंटू फोर जीरो प्लस 3, इट्स मीन्स पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या बन गया, प्लस 3। ये तो जीरो जीरो। नेक्स्ट इसी का सेकंड ऑप्शन है अपने पास, x इजिकल्स टू क्या फाइंड आउट करना है, किस पे फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू, माइनस वन पे फाइंड आउट करनी है। तो x इजिकल्स टू माइनस वन इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पी ओ माइनस वन, क्या बनेगा, पी ओ माइनस वन क्या बनेगा, 5 इंटू माइनस वन माइनस 4 इंटू माइनस वन टू दी पावर 2 प्लस 3। ये वैल्यू आप देखो सोल्व कर रहे हैं इसको, पी ऑफ माइनस वन इजिकल्स टू क्या बनेगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 वन जा 5 माइनस 4, माइनस 1 टू दी पावर 2 मीन्स माइनस वाले नंबर है और उसके पावर ऑलवेज क्या है, 2, 2, 4, 6 मीन्स इवन में हो तो ऑलवेज किस में आता है, प्लस में आता है। तो क्या बनेगा, 4 इंटू वन क्या बनेगा, 4 प्लस 3 क्या बन गया, पी ऑफ माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 9 हो जाएंगे क्योंकि मोर देन साइन किसका है, माइनस 5 का, प्लस 3 क्या बनेगा, पी ऑफ माइनस वन, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 9 एंड माइनस 6 6 और माइनस के क्या बनेंगे, ये 6, ये वैल्यू आपकी, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू फॉर ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अपने को क्या निकालना है, जीरो वन एंड टू पे जो पॉलिनोमियल है उस पे अपने को क्या करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पी ऑफ वाई का मीन्स क्या है, ये बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वाई टर्म, और वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो पी ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, पी ऑफ वन फाइंड आउट करना है, पी ऑफ टू फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पुट करेंगे अंदर, पुट एक्स इज सॉरी वाई इजिकल्स टू जीरो देन पी ऑफ जीरो, तो पुट हियर जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, दैट इज पी ऑफ जीरो, जीरो स्क्वायर जीरो माइनस जीरो प्लस वन क्या बन गया, पी ऑफ जीरो इजिकल्स टू प्लस वन, राइट। देन नेक्स्ट पुट y इजिकल्स टू वन इन पी ओ वाई, सो वी गेट पी ओ वन इजिकल्स टू वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, इट्स मीन्स नेक्स्ट पी ओ वन इजिकल्स टू वन स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, पी ओ वन इजिकल्स टू वन, राइट, यस। नेक्स्ट डियर रूट अगेन y इजिकल्स टू टू, इट्स मीन्स पुट हियर पी ऑफ y, देन वी गेट पी ऑफ टू इजिकल्स टू वाई स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस y माइनस टू प्लस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ टू क्या बनेगा, टू टू दी पावर टू इजिकल्स टू फोर माइनस टू प्लस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल एड फोर इंटू वन दैट इज 5 माइनस 2 मीन्स पी ऑफ 2 इजिकल्स टू 3, राइट, यस, वेरी गुड। ये क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन के अंदर पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल से। तो जहां अपने पास पी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, 0 वाई वाई की जगह रिप्लेस कर दिया, पी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है तो जहां वाई है वहां 1 1 पुट कर दिया, पी ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो इस टाइम इसको किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से रिप्लेस कर दिया। यस, आई होप अंडरस्टूड, यस, वेरी गुड, थैंक यू।